स्मै पवितात्मा के विषय में बातें कर रहा था। पवितात्मा के टीचिंग पहला भाग हम आपको बता चुके हैं, आज हम पवितात्मा के विषय में एक बार और उसके दूसरे भाग में आपसे बातें करेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा का कार्य, द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट, उसके कार्य किस प्रकार से वो काम करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि पिछले हफ्ता के लेसन से आपका जो फेलोशिप है पवित्र आत्मा के साथ में वो बढ़ गया होगा, आप उसको समझने लगा है। मेरे ख्याल से अब आप रोज सुबह उठते पहले चीज पवित्र आत्मा से बातें करता है, स्ट्रीट में चलते समय भी, भोजन पकाते समय भी, एवरी टाइम आप उसके साथ में फेलोशिप में है, जरूर आप एक कदम लिया है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम उसके दूसरे भाग में आपसे बात कर रहे हैं। पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, होली स्पिरिट इज ए जेंटलमैन, पवित्र आत्मा एक जेंटलमैन है, इसलिए कि होली स्पिरिट इज ए जेंटलमैन, वो किसी को जबरदस्ती के साथ में कंट्रोल नहीं करता, बाय फोर्स किसी को कंट्रोल नहीं करता है। ना शैतान, यदि किसी को ऊपर शैतान की आत्मा हो तो वह जबरदस्ती करता है, तोड़ता है, मनोड़ता है, उठा के पटकता है, कपड़ा फाड़ देता है, जबरदस्ती। वो व्यक्ति जब होश में आता है तो वो कहते हैं क्या हुआ मेरे साथ में, कहां गया मेरा कपड़ा, क्यों मैं यहां पड़ा हूं। वो होश में आता है, उसके मतलब उसके ऊपर जब दुष्ट आत्मा रहा वो होश में नहीं रहा, बीओसी की हालत में रहा, या शैतान उसको पूरी या टोटली कंट्रोल कर रहा था, वो है शैतान की आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा जब परमेश्वर अपनी आत्मा से किसी को भरता है वो व्यक्ति सब टाइम होश में रहता है, वो कभी बेहोश नहीं रहता है। कोई कोई जन से कभी कभी शेयर किया है, पास्टर परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आए, ऐसे रहा वैसे रहा, हमें पते नहीं लगा कहां है कौन सी, यानी वो पवित्र आत्मा नहीं रहा, वो दुष्ट आत्मा है। पवित्र आत्मा रही तुम सब टाइम जानेगा, तुम स्लेव रहेगा तुम जाने, तुम स्लेव है, तुम जितना देरी फ्लो में रहे तुम जानेगा तुम्हारा बॉस रहे। पवित्रात्मा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर ले ली और तुम्हें छुई, तुम्हें ब्लेस करी, तुम्हें आशीष दी, तुम्हें हील करी, तुम जानेगा कौन सी वो है, उसके उपस्थिति को तुम फील करेगा, उसके अनॉइंटिंग तुम फील करेगा और तुम सब टाइम होश में रहेगा। तो पवित्रात्मा किसी को कभी जबरदस्ती नहीं करता है क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के दिल में जबरदस्ती नहीं आता है जब तक कि तुम उसे पुकारे नहीं, वो बाय फोर्स तुम्हारे अंदर में नहीं आए के रहेगा, शैतान बाय फोर्स आता है, तुमने बुलाया उसको कभी अपन जीवन में, कभी बुलाया नहीं, बुलाया फिर भी तुम्हारे ऊपर एक दिन खेला हो, फिर एक दिन तुम्हें डिलीवरेंस किए गए, कहां से आया, बिना निमंत्रण दिए वो महिमा में जबरदस्ती आता है। लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें सब बुलाने पड़ता है, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, तब वो तुम्हारे दिल में आएगा। इज़ाइयाह 30:21 ये कहता है, He will cause you to feel sorry when you do wrong. इज़ाइयाह 30:21 इस जगह पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम सच्चाई के मार्ग में चलते रहो, तुम प्रभु के हाथ को थाम के धार्मिकता के मार्ग में होके चल रहा, सच्चाई की रास्ता में तुम जा रहा, बाइबल जो कही थी वो तुम कर रहा, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ में ठीक है, तुम सीधे मार्ग में जा रहा है। लेकिन इस सीधे मार्ग में जाते जाते अचानक से तुम दाहिनी ओर और बाईं ओर मुड़ने लगो तो पीछे से एक आवाज आएगा, बाइबल कहती है और वो कहेगा मार्ग ये है इस पे चलो। प्रेज़ ये है पवित्र आत्मा का काम, मतलब हम और तुम परमेश्वर के रास्ता में चलते चलते अचानक से
पाप की ओर मुड़ने लगे। सच्चाई चलता है, लेकिन अचानक से एक पाप हमें अपनी ओर खींच रहा है, हम मुड़े लगा दाहिनी ओर या बाईं ओर। जैसे हम पाप करने के लिए कदम ले, पीछे से एक आवाज आए। लेकिन ये जो आवाज है बहुत धीमी आवाज है, ये जबरदस्ती की आवाज नहीं है, ये तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, तुम पाप नहीं कर, तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें बताएगा ये पाप है, इस रास्ता में ये रास्ता भी चलो। प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा का बोली बहुत धीमा है, बहुत धीमे आवाज में बोलता है, प्रेम की आवाज में बोलता है। लेकिन एक और आवाज आती है जब हम पाप करने के लिए जाए, जब सच्चाई के मार्ग में से जैसे हम फिसलने लगे पाप की ओर, एक और आवाज आती है और एक गंभीर बोली है, भयंकर बोली है, जबरदस्ती के साथ में बोलता है, तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जबरदस्ती के साथ में शैतान की बोली है, लेकिन पवित्र आत्मा की बोली बहुत धीमा है और बहुत कम लोग उसे सुन पाते हैं। नमूना के तौर पर तुम स्ट्रीट में चल रहा, तुम स्ट्रीट में चलता है, तुम्हारे आगे एक आदमी जा रहा और आपने देखा उसके पॉकेट में से उसका वॉलेट गिर गया, उसके पीछे और कोई नहीं, तुम है, तुम पीछे ताके कोई और नहीं है, तुम्हें है। नेक्स्ट व्यक्ति उस वॉलेट के पास तुम है, पहली चीज तुम वॉलेट उठाए उसके, और जब उठा के देखते हैं तो पूरा नोट भरा हुआ है उसमें। शैतान अंदर मंच बोले, वहां की तो पते नहीं, वहां जाए, वहां वहां निकल गए, उसके पते नहीं है, रख लो, ई कर लेगा तो मुंह कर लेगा, ई खरीद लेगा वो खरीद लेगा, अनेक चीज के लालच देगा, वो कह रहा है तू बहुत लकी है, लक है तुम्हारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, लक जो शब्द है वो लुसिफा से आती है, हम और तुम कभी लक वर्ड नहीं इस्तेमाल करें, परमेश्वर हमें लक नहीं देता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। लेकिन किसी का औलत गिर गया वो ब्लेसिंग नहीं है, वो टेस्ट। जब तुम उस वॉलेट को लुकवाए वाला है, उसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आएगा, ये तुम्हारा नहीं है, दौड़ के उसे दे दो, वहां जाए लाल सेठ, दौड़ के उसे लौटा दो। ये है पवित्र आत्मा के बोली। प्रेज द लॉर्ड। तुम जैसे पाप करने वाला है, एक बोली तुमसे बात करेगा, मार्ग ये है इस पिक्चर में। क्रिसमस के समय दारू तो छोड़ दिया, तुम सही मार्ग में चल रहा है, लेकिन क्रिसमस के दिन तुम्हारे यार दोस्त जो जिसके साथ में तुम पहले बैठ के पीता रहा, तुम्हें बोलिया नहीं आओ आया एक ग्लास, खाली एक ग्लास लाल लाल दारू ठंडा ठंडा गिरा के दे, एक ग्लास खाली एक ग्लास है, सब रोज तो कार्टन पीता रहा जाता, तो अब छेद जा रहा है, छोड़ दिया है, एक में थोड़ा कुछ है, एक में थोड़ा नशा हो जाएगा, पादरी थोड़ा नहीं देखे, खाली एक ग्लास, इसके बाद में तुम नहीं पीना, नहीं बोलेगा तुम, और तुम उस ग्लास की ओर ताकता रहा, तुम्हारा पुराना दुनिया याद हुई, कौन याद करे शैतान, चक्के तो दुखे इतना दिन हो गया नहीं पिया। प्रेज द लॉर्ड। तुम सही मार्ग में चलते चलते दाएं और बाएं मुड़ने लगा, उसी समय आवाज आएगा, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6, नशेड़ी लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, प्रभु का बोली आएगा, इसी मार्ग पे चलो, उसे इनकार कर दो। लेकिन यदि हम उसकी बोली ना सुने, शैतान की गंभीर बोली सुनेगा, हम और तुम फिसल जाए, तो पवित्र आत्मा हमें हमेशा मदद करता है पवित्र मार्ग में चलने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। ही विल हेल्प यू, दिस चीज, ही विल हेल्प यू फाइंड द राइट चर्च वेयर जीसस इज द हेड। पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हें सही कलीसिया, किस कलीसिया में तुम्हें जाना है, वो हमेशा तुम्हें डायरेक्ट करे, लेकिन यदि तुम उसे बात करे तब, यदि तुम उसे पूछे, तुम पूछे पवित्र आत्मा हमें बताओ कौन सच्चे जाए, तुम नहीं बोलेगे, तुमने नहीं बताया, इसलिए बाइबल कहती है आंख या नेसल रिसीव, तुम्हें उससे बातें करना, उससे फेलोशिप करना है,
यत्तु मांगे जा रहे सही कलेशिया कहाँ है हम कहाँ जाए कौन सिचुएशन जाए तुम प्राप्त करे और मांगे पवित्रात्मा हमें दिखला कौन सिचुएशन जाए और तुम्हें विजन में दिखाएगा और तुम्हें ड्रीम में दिखाएगा और तुम्हें वचन से बातें करेगा या तुम्हारे दिल के अंदर से गवाही देगा तुम इस स्टेज में जाओ कौन से चर्च को तुम्हें लेके जाएगा एक ऐसा चर्च जिसका हेड यीशु मसीह जिसका सर यीशु मसीह जिस चर्च में यीशु मसीह की इच्छा पूरी होती है आज बहुत सारे चर्च है बहुत से चर्च है लेकिन कई चर्च में पादरी की इच्छा पूरी होती है और कुछ कुछ चर्च में पादरी को बिल्कुल नहीं चलता है मेंबर्स की इच्छा पूरी होती है मेंबर जो चाहते हैं उसमें बोर्ड है बोर्ड डिसीजन बनाते हैं जो चीफ बोर्ड बोलेगा वही होगा जो चीफ गॉड बोलेगा वो नहीं होगा तो तुम चर्च में बोर्ड मांगे कि गॉड मांगे वो तुम्हारा चुनाव है पात्री यदि पास्टर का जीवन पवित्र हो नंबर वन नंबर टू उसका जीवन प्रेयर का जीवन हो ही मस्ट बी ए मैन ऑफ प्रेयर घंटों घंटा यानी कि पांच मिनट या दस मिनट घंटों घंटा कई घंटा यदि वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताए और उसका जीवन पवित्र हो तब ही पवित्र आत्मा की बोली सुने सकेगा तो वो पास्टर जब एक डिसीजन बनाता है एक निर्णय बनाता है और कलेशियों में लाता है हमें ये करना है ये करना है ये प्रोग्राम है ये है वो है वो उसकी ओर से नहीं आता है वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है क्योंकि उस कलेशिया का राजा प्रभु यीशु मसीह है बट यदि ये पास्टर मैन ऑफ प्रेयर नहीं है होलीनेस नहीं है तो अपना निर्णय लेता है उसका डिसीजन बोर्ड जो होती है मनुष्य है चर्च के लीडर्स है चर्च में बोर्ड है वो अपनी बुद्धि से निर्णय बनाते हैं उनका डिसीजन होता है इस रास्ते से हमें चलना है ये करना है तो वो बोर्ड का डिसीजन है क्या वो परमेश्वर से सुने क्या पवित्र आत्मा की बोली सुने क्या यीशु की इच्छा पूरी होती है इसीलिए जो जो पास्टर उसको फुल टाइम मिनिस्ट्री में होना जरूरी ताकि वो घंटों प्रार्थना कर सके जिसमें कि वो पवित्र आत्मा से सुन सके प्रेज द लॉर्ड इसीलिए तुम यदि पवित्र आत्मा से पूछे कि हम कौन से चर्च जाए और डेफिनेटली तुम्हें ड्रीम में बताएगा विजन में बताएगा या तुम्हारे दिल के अंदर में वो डालेगा तुम इस चर्च में जाओ क्योंकि इस चर्च का राजा यीशु मसीह है उसकी इच्छा पूरी होती है ग्लोरी टू गॉड इसलिए सिर्फ चर्च की नहीं आप कोई भी कदम ले कोई भी एक बिल्डिंग भी बनाना चाहे एक गाड़ी भी खरीदना चाहे पवित्र आत्मा से पूछे शॉपिंग भी करने के लिए जाए उससे मांग करे कि तुम्हें ले जाए सही चीज तुम खरीदे अच्छा चीज तुम खरीदे वो तुम्हें अच्छी जगह ले जाए लेकिन उससे बोलेंगे ना वो तुम्हें मदद नहीं कर सकता है वो हमारा मददगार है बुक ऑफ सेकंड कोरिंथियन चैप्टर 3 वर्स 18 सेकंड कोरिंथियंस 3:18 जॉन 16:7 हिज वर्क इज टू लिफ्ट अप एंड ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट उसका काम है यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा To lift up the name of Jesus, to glorify the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाए उसकी नाम की प्रशंसा मिले उसकी नाम की जय जयकार वो उसकी इच्छा है और वही वो काम करता है मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लिए कोई भी काम करता है कुछ भी मिनिस्ट्री करता है आप किसी बीमारिया के लिए प्राप्त करें और बीमारिया चंगाई पा जाए कोई दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ के लिए तुम दुआ करें शैतान से छुटकारा पा जाए या आप परमेश्वर के वचन प्रचार करें प्रीचिंग करें टीचिंग करें वर्शिप टीम में गीत गाए कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं लोग आएगा तुम्हारे जीवन में और लोग तुम्हारी पीठी ठोकेगा शाबाश बहुत जुलूम तुम गीत गाए बहुत जुलूम तुम म्यूजिक बजाए
क्या प्रचार है बहुत जुल्म प्रचार बहुत जुल्म टीचर है हीलिंग होगा लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे डिलीवरेंस होगा लोग तुम्हारी बड़ाई और प्रशंसा करेंगे ये ऐसा होता है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कभी बड़ाई तुम ले नहीं हीलिंग जो हुआ है हम और तुम नहीं किया है यीशु ने किया है इसलिए हमें सारी महिमा उसको दे रहे हैं यदि हम प्रीचिंग भी करें लोग हमारी पीठी ठोके हम और तुम नहीं हमने प्रीच करे वो पवित्र आत्मा सारी महिमा यीशु को दे रहा है यदि हम और तुम महिमा लेने लगे वो मिरेकल बंद हो जाएगा अनॉइंटिंग हट जाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा के काम है कि वो देखना चाहे हर एक चीज में यीशु मसीह को महिमा मिले क्यों हीलिंग होता है क्यों डिलीवरेंस होता है बिना क्रॉस पे पीड़ा से डिलीवरेंस नहीं होता है बिना क्रॉस के पीड़ा से हीलिंग नहीं होता हीलिंग क्रॉस से आती है इसलिए पवित्र आत्मा उसके नाम को ऊंचे उठाना चाहता है यीशु के नाम से मिरेकल होता है लेकिन वो जो मिरेकल है वो जो हीलिंग है वो जो डिलीवरेंस है उसकी ताकत पवित्र आत्मा से आती है लेकिन पवित्र आत्मा की इच्छा है सारी महिमा यीशु के लिए बिना यीशु के लहू के कोई आश्चर्य कर्म नहीं होता है तो उसका काम है यीशु के नाम को ऊंचा उठाए कभी कभी लोग बोलते हैं हम उसके सेव कर कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं हम उसके हम सेव कर वो उसके हम हीलिंग दिए उसके डिलीवरेंस हम कर मैं आपको बताना चाहूंगा हम और तुम किसी को सेव नहीं कर सकते हम और तुम किसी को हील नहीं कर सकते हम और तुम किसी को डिलीवर नहीं कर सकते Savior Jesus Christ है, Healer Jesus Christ है, Deliverer Jesus Christ है, इसलिए हमें सारी महिमा उसे देना है उस समय। Book of Acts chapter 17, verse 27 ये कहता है, His presence is everywhere at once. उसकी जो उपस्थिति है, उसका जो presence है एक ही समय में वो सभी जगह पे रहता है आज वो पवित्र आत्मा उसकी उपस्थिति यहां पे है लेकिन इस समय में अमेरिका में भी वो है इंडिया में भी है ऑस्ट्रेलिया में भी है वो पायलट जो प्लेन उड़ा रहा है बादल में वहां पे उसके साथ में भी है जो सबमरीन पानी के नीचे जा रही है वहां पे भी उसकी उपस्थिति है दुनिया में कहीं भी चले जाओ उसका उपस्थिति हर एक जगह पे होता है ग्लोरी टू गॉड यीशु मसीह जब शरीर के रूप में था वो सिर्फ इज़राइल में था दुनिया में आओ कहीं नहीं गया खाली इज़राइल में मिनिस्ट्री किया लेकिन इसलिए उसने अपनी आत्मा को भेजा है ताकि उसकी उपस्थिति एक समय पे सभी जगह पे हो ग्लोरी टू गॉड एक समय में बाजार में मार्केट में एक समय की बात हम हमेशा लोगों को बताते रहते हैं गॉस्पेल बाजार में मैं किसी लोगों को बतला रहा था यीशु मसीह के विषय में अचानक से एक आदमी आया वो आदमी हमसे कहता है तू कौन से परमेश्वर परमेश्वर कहता है हमने विश्वास करता है कोई परमेश्वर हमने विश्वास करता दुनिया में कोई परमेश्वर कहीं नहीं कोई परमेश्वर बेकार के बकवासे हैं सब कोई परमेश्वर नहीं हम सब ऐसे ही हो गए हैं कोई नहीं उसने कहा देख क्या ये आदमी वो साग सब्जियां बेच रहा है ये टमाटर बेच रहा है तुम कौन जी बोलता है परमेश्वर दी से हम बोले हाँ परमेश्वर तो दी से और कहां से बोले अच्छी तरह से देखो ये किसान ये कोड़ता नहीं बोता नहीं उसमें मसाला नहीं छोड़ता कुदारी नहीं चलाता पानी नहीं सींचता ये टमाटर नहीं होता ये उसके मेहनत के द्वारा हुआ है ये आदमी यदि नहीं बोता क्या परमेश्वर से टमाटर देता परमेश्वर नहीं देता ये आदमी की मेहनत की कमाई उसने मेहनत के अंदर टमाटर पड़ा है ये सब चीज अपने आप होता है लेकिन हमें उसमें काम करना है परमेश्वर नहीं कोई की परमेश्वर हमें कोई चीज बनाता है मैं बाजार में खड़ा रहा वहां पे एक ग्रोसरी स्टॉल है और जिस जगह पे खड़ा रहा वहां पे एक मटर का बस्ता रूपीज उसमें मटर है मैं आज लेके आया हूं अपने साथ में
आपको बता देंगे। मैंने उसके वास्ता में से एक मटर आया, शायद दो मिनट में पता दिखाई दे रहा आपको, बहुत छोटा है। इस मटर को मैंने अपने हाथ में रखा और उस आदमी से कहता है, थोड़ा देर के लिए माने ये दुनिया है, दुनिया गोला है जैसे मटर गोला है, ये दुनिया है, मैं इसे अपने हाथ में रखा हूं, यदि अच्छी तरह से देखे इस मटर को, इस मटर के ऊपर एक छोटा सा डॉट है, वो एक डस्ट है, एक गर्दा है, ये छोटा सा जो गर्दा इसके ऊपर पड़ा है, ये गर्दा मांगे जाने, ये दुनिया जिसमें हम रहता है कितना बड़ा दुनिया है, क्या ये गर्दा कभी जाने सके? ये मटर उसके लिए बहुत भारी है, ये पीस ऑफ डस्ट इन्हें सके जाने कि ये मटर कितना बड़ा है, तो क्या ये डस्ट कभी अरमान लगा सके कि इस मटर के कौन रोक के रखी सके? हमें कब समझी? वो मटर के बारे में नहीं समझे सके तो हमें कब सके समझे? उन्हें सके समझे। मैंने उसे बताया, देख इसी प्रकार ये जो दुनिया है, इतना भारी दुनिया जिसमें हम तुम रहते हैं, ये दुनिया को परमेश्वर अपने हाथ में रोक के रखा है, और ये इतना बड़ा दुनिया में तुम एक छोटा सा गर्दा हो, एक डस्ट है, और आज तुम पूछते हैं कहां है ओ परमेश्वर, कहां है ओ परमेश्वर? तुम एक गर्दा है, तुम्हारे पास उतना बड़ा दिमाग ही नहीं कि तुम परमेश्वर का अरमान लगा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार जैसे मेरा उपस्थिति इस मटर के चारों ओर है, और ये डस्ट जो इसके ऊपर पड़ा है उसके चारों ओर हमारा प्रेजेंस है, यहां तक कि मटर के नीचे भी हमारी उपस्थिति है, इसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति दुनिया में, आप कहीं चले जाओ परमेश्वर की उपस्थिति सभी जगह पे, पवित्रात्मा सभी सभी जगह पे रहता है एक ही समय पे। ग्लोरी टू गॉड। बाइबल हमें मार्क चैप्टर 3 वर्स 29 ये कहता है, सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट विल नॉट बी फॉरगिवन, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप की क्षमा तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। हालेलुया। आज हम और तुम चोरी करें, लूटमारी करें, डाका डाली करें, किसी को धोखा दे, किसी को जड़ काटे, किसी की बुराई करे, किसी को यहां तक के हत्या भी कर दे, लेकिन जब अपने समझ में आए और कहे प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने गुनाह किया है, यीशु मसीह हमें और तुम्हें माफ कर देगा। यदि हम परमेश्वर को गाली दे, यीशु मसीह को गाली दे, अनेक से बाप उसे बोले, लेकिन जब हमारे समझ खुले और हम समझे अपनी गलती को और कहे प्रभु हमें माफ कर दे, वो हमें माफ कर देगा, चाहे परमेश्वर की कुछ भी बोले, यीशु मसीह की कितनी भी बदनामी करे, वो हमें माफ कर देगा। लेकिन बात ये कहती है, यदि हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करें, उसकी माफी नहीं। चर्च, मैं आपको समझाना चाहूंगा, बाइबल इस जगह पे कुछ इस प्रकार से कहती है, दंसनी अगेंस्ट द होली स्पिरिट विल नॉट बी फॉरगिवन। या दंसनी, दंसनी के मतलब है, यदि हम आपको सहज में समझाने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा के काम को हम शैतान के काम बोले, ये शैतान के काम है, या किसी को पवित्र आत्मा ब्लेस करता है या उसे अपनी आत्मा से भरता है और हम बोले वो शैतान है, वो गुना माफ नहीं की जाएगी। बाइबल के हम पवित्र आत्मा को शैतान ना कहें। यदि आप धर्मशास्त्र में देखिएगा, एक बार रिलीजियस लीडर्स लोग आए और यीशु मसीह के मुंह के आगे कहते हैं, यू आर डीमन पोसेस्ड,
You are demon possessed. Isko bo, Yesu masi ashcharya karam kar raha hai. Log kehte you are demon possessed. Religious leaders log keh rahe hain. पवित्र आत्मा की शक्ति से आजकल ये काम हो रहा है, लेकिन यीशु को वे कहते हैं डीमन पोसेस। एक और बार रिलीजियस लीडर्स लोग आए और वो क्या कहते हैं, यीशु मसीह से कहते हैं तुम शैतान की ताकत से शैतान निकाल रहे हो। किसकी ताकत से निकलता है शैतान? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निकलता है, लेकिन रिलीजियस लीडर्स कहते हैं शैतान की ताकत से तुम शैतान निकाल रहे हो। पवित्रात्मा के काम वो हम शैतान के काम न कहें। हालेलुया। मेबी आप पवित्रात्मा को एक टाइम आप नहीं समझता, शायद आप अनजान में या ना समझ में आपने शायद ऐसा सोच लिया है, बोल दिया, प्रभु तुम्हें फिर भी माफ करेंगे। लेकिन यदि तुम जानते हुए या तुम्हें समझाने के बाद में भी तुम कंटिन्यू उसी बिलीफ पे सब टाइम रह गया कि वो शैतान के काम है, तब आपकी गुनाह माफ नहीं की जाएगी। बाइबल में गलेशियों के पुस्तक में गलेशियंस चैप्टर 5:22 बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का 9 फल है, 9 fruits of the Holy Spirit. Pavitatma ka no fal. Love, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, and long-suffering. Pavitatma ka no fal. Aaj kabhi-kabhi log mange dikhaye ki hame parmeshwar apni atma se hame ban sake. Koi-koi se mange dikhaye. ये हमारे पास पवित्र आत्मा तो दिखाए तो उससे कोई कोई लोग भविष्यवाणी कर रहे ना, भविष्यवाणी एक उसकी दान है, मैं मानता हूं और उस पर विश्वास करता हूं, लेकिन कोई कोई पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी नहीं करे बल्कि ह्यूमन स्पिरिट अपनी आत्मा से भविष्यवाणी कर रहे। भविष्यवाणी का मतलब है भविष्य बताना, भविष्य में क्या होगा। ये नहीं कि कोई यहां पे है, कोई यहां पे है, दारू अभी भी पिए नहीं छोड़ी, एक हफ्ता में मर जाए। ये ना कोई जन ऐसा तरीका एक बार मैंने सुना किसी को ऐसे कहते हुए, असलियत में उसका प्रॉब्लम है, मैं भी उसका कोई सगा पी रहा है वहां बैठा है, वहां के छोड़ दो तो उसके भविष्यवाणी में दिखाए, उसके सुनाए थोड़ा डरवाए, उसको धमकी दे पवित्र आत्मा के नाम लगा दे। ग्लोरी टू गॉड। कोई क्वेश्चन बेबी लोगों को दिखाने के लिए बहुत अधिक पीले लगे, बहुत अधिक कूदे लगे, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा भी आती है, कभी कभी लोग शेक होते हैं, नहीं कि नहीं, अब नहीं बोलता कि नहीं, लेकिन कभी कभी लोग दिखाने के लिए करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप मांगे दिखाए कि प्रभु के आत्मा मुझमें है, कि प्रभु ने मुझे में अपनी आत्मा डाला है, दैट आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट, सबसे बेस्ट वे तुम लोग को दिखाए Fruit of the Holy Spirit, love. तुम्हारे में से प्रेम निकलेगा, धीरज निकलेगा, शांति निकलेगा, नरमता, दीनता, संयम निकलेगा, तो तुम्हारे जो फल है ये लोग देख के जान रहे तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा से तुम भरा रहेगा, तुम्हारे कलेश में कोई तुम्हें गाली भी दे दे, कोई कभी तुम्हें उल्टा भी बोल दे, तुम्हारी बुराई भी कोई कर दे, तुम जानेगा ये ब्रदर ये सिस्टर हमारे बारे में ये स्टोरी बनाए के बताई से, फिर भी तुम उससे प्रेम करेगा। बाइबल कहती है इवन तुम दुश्मन से भी प्रेम करेगा, वो पवित्र आत्मा का फल है। तुम्हारी बदनामी कोई करे तुम धीरज रखेगा, तुम धीरज से सहे, तुम्हारा काम नहीं बता दो,
बदला लेना काम परमेश्वर का है तुम्हारा काम क्या है उसे माफ करो फॉरगिव एंड लव तुम फॉरगिव करो उसे लव करो यह है पवित्र आत्मा का फल तुम अपसेट नहीं होगा मैं भी थोड़ा देर के लिए शायद तुम्हारा दिल टूट जाए यदि ताजा तुम्हें न्यूज मिले कि फलाना ब्रदर ये सिस्टर तुम्हें ये बोलिस है और तुम्हारा दिल टूट जाए शायद थोड़ी देर के लिए हो जाए लेकिन इंस्टेंटली वो मांगे हील हो जाए पीस होली स्पिरिट पर पाले तुम फिर भी शांति रखेगा धीरज रखेगा संयम होगा नरमता और दीनता होगा तुम सहलेगा और अपने दुश्मनों से प्रेम करेगा The Bible हमें कोरिन्थियों के पुस्तक में First Corinthians chapter 12 verse 8 to 11 में 9 gifts of the Holy Spirit के विषय में बातें करती है 9 gifts 9 fruits है और 9 gifts है यह आपको मालूम है नंबर 6 सैतान की नंबर है नंबर 7 जीसस का नंबर है Number 8, permission ka number hai. Number 9, Holy Spirit. Glory to God. 9 gifts of the Holy Spirit. 9 prakar ki gifts hai, jo pavitra atma apne sabhi bachcho ko dena chahta hai. Now, ye jo 9 gifts of the Holy Spirit hai, isme se ek vyakti ko bahut mushkil baat hai ki 9 prakar ke ya pura 9 gifts ek vyakti ko de. Maine apne aaj tak itni ministry mein ek aadmi ko dekha jisko Parmeshwar ne 9 gifts pura 9 gifts diya. Lekin bahut mehnat se bahut hi kai saal ki prarthna aur Parmeshwar ke aage zor karne ke dwara usne paya. जबरदस्ती के साथ में उसने प्रभु से मांगा एक व्यक्ति वह भी जिंदा नहीं है लेकिन मैंने देखा उसके जीवन में पर परमेश्वर एक व्यक्ति को पूरा 9 गिफ्ट नहीं देना चाहता है काहे नहीं इसलिए यदि 9 कोई गिफ्ट देते से कोई मतलब नहीं कि बिना मतलब के तुम्हें ले गिफ्ट दे दे नहीं उसके पीछे मतलब है वो गिफ्ट देता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो गिफ्ट तुम इस्तेमाल करो इन्हें के लेके बैठा रहे या आपके ड्रो में डिस्प्ले करते हैं नहीं 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 उसको इस्तेमाल कर रहा है इसलिए वो गिफ्ट देता है मांगे उसके यूज करे उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए तो यदि तुम्हें 9 पूरा दे दे तो उसके मैनेज नहीं कर पाएगा तुम्हारे सभी सभी जगह तुम ऑपरेट नहीं कर बहुत देर काम हो जाएगी तुम्हारे ऊपर तो तुम उतना काम कर नहीं पाएंगे इसलिए वो जानते हैं कि तुम कौन गिफ्ट हमारे लायक है उसके अनुसार देता है लेकिन सभी को कुछ ना कुछ देता है सभी को गिफ्ट देता है और इसमें से कुछ कुछ खास ऐसी गिफ्ट है जो सभी के जीवन में होना बहुत जरूरी है कुछ कुछ खास गिफ्ट है होली स्पिरिट की जो गिफ्ट है पहला वो तुम्हें स्पीकिंग टंग देगा अन्य भाषा पहला गिफ्ट हेवनली लैंग्वेज में तुम बात करेंगे वो दान देगा उसको कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ फायर और आज वो बैप्टाइज करेगा कुछ कुछ वो सभी को बैप्टाइज कर सकता है यदि आपके दिल में वो अभिलाष रहे ना वो देखता है तुम्हारे दिल में कितनी चाहत है तुम कितना भूखा है उसी के अनुसार यदि तुम कोई भी उसमें से सेलेक्ट करके तुम मांगता है ये ला गिफ्ट मांगता है तुम उसके आगे रखे कभी कभी एक ही रोज में दे देगा कल कभी कभी साल लगेगा तुम्हें देंगे लेकिन वो ठीक समय पर तुम्हें देगा और अवश्य देगा The gift of the Holy Spirit, speaking tongue, या अन्य भाषा, heavenly language, और जब ये heavenly language तुम्हें मिलती है, वो व्यक्ति सास्ता नहीं पहुंची बोलता है, लेकिन तुम्हारा spirit जो है, तुम्हारे spirit, Holy Spirit के साथ में मिलके, heavenly language में वो प्रार्थना करता है। तुम नहीं समझता, बल्कि जो चीज तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए, तुम नहीं जानता, बल्कि तुम्हारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ में मिलके हेवनली लैंग्वेज में और दुआ करता है। रिजॉल्व। The Holy Spirit के दूसरा गिफ्ट है इंटरप्रेशन ऑफ टंग। इंटरप्रेशन ऑफ टंग। मतलब कि एक व्यक्ति यहां पे अन्य भाषा में बोलता है वो नहीं समझता कौन सी बोलता है परमेश्वर यदि तुम्हें इंटरप्रेशन ऑफ टंग दे दे तो आप उसके अनुवाद कर सकेगा ये कौन सी बोली सर
तुम समझेगा तुम्हें समझे का दाम दे तुम उसको इंटरप्रेट कर सकेगा इसने क्या कहा है तो तुम उसके मांगे सकता है परमेश्वर हमें दे दे इंटरप्रेशन के दान ताकि हम इंटरप्रेट कर सके कभी कोई भी अन्य भाषा बोले या हम खुद अन्य भाषा बोले हम अपने आप उसके अनुवाद भी कर सके कौन सी बोला तुम मांगेगा वो परमेश्वर जानता है तुम फायदा है तुम उसको यूज करेगा तो जरूर तुम्हें देगा लेकिन तुम्हारे दिल से मांगे तुम्हारे मांगे तो पूरा हाथ के मांगो तुम्हारे दिल की पुकार दूसरा तीसरे गिफ्ट है फेथ या विश्वास एक ऐसा विश्वास तुम्हें देगा एक ऐसा विश्वास है जो कभी भी डगमगाने वाला नहीं तुम्हारा सर भी कट जाए तुम्हारा फेथ नहीं डगमगाएगा एक ऐसा विश्वास दूसरा हीलिंग हीलिंग गिफ्ट जो लोगों के लिए दुआ करेगा लोग हीलिंग पाए हीलिंग गिफ्ट वो देता है मिरेकल्स आश्चर्य कर्म के दाम देता है कि तुम्हारे द्वारा अनेक रूप से सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि अनेक रूप से आश्चर्य कर्म हो सकता है वर्षा नहीं हो रही जूरा पड़ा है तुम सकता आप किए दे बादल वर्षा दे वर्षा होगी वर्षा हो रहा है बहुत अधिक वर्षा हो रहा फ्लडिंग चल रहा है हुक्म दे रुक जाए मिरेकल हो वो दान पवित्रात्मा से आती है लेकिन इन सभी चीज के लिए तुम्हें फेथ की भी नीड पड़ती है प्रोफेसी भविष्यवाणी भविष्य में क्या होगा भविष्य के विषय में तुम बतला सकते हो भविष्यवाणी की दान है और फिर विजडम स्पिरिट ऑफ विजडम स्पिरिट ऑफ नॉलेज वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम एंड डिसेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर हरेक को देता है ये सारी दान प्रभु बिल्कुल आसानी से देता है आपको वर्ड ऑफ विजडम जो है supernatural impartation from God. Supernatural impartation from God. अचानक से तुम्हें वो बुद्धि आएगी अचानक से वो बुद्धि तुम्हें देगा मतलब कि अचानक से जैसे वो आदमी एक नमूना आपको बताता है वो आदमी को कहता है कहां है परमेश्वर हमने विश्वास करता तुम्हारा परमेश्वर हमने विश्वास करता अचानक से परमेश्वर ने मुझे वो बुद्धि दिया उस मटर की स्टोरी अचानक से वो आती है तुम सोचिए कहां से आई वो विजडम सिर्फ प्रभु देता है आप सेवन रेडी करें हम सेवन भी रेडी करता है अचानक से परमेश्वर हमें रिवलेशन देता है वचन की गहराई में वो एक गिफ्ट जो होली स्पिरिट से आती है ताकि हम वचन को आपको तोड़ के और भीतर से गहराई से समझ जा सके ये मेरी बुद्धि नहीं ये प्रभु से आती है Hallelujah. अचानक से वो वर्ड ऑफ विजडम देता है वर्ड ऑफ नॉलेज वर्ड ऑफ नॉलेज ये भी प्रभु तुम्हें ठीक समय पे देता है वर्ड ऑफ नॉलेज एक मेंटल पिक्चर बिल्कुल सी प्रकाश से जैसे मैंने इसको मटर की कहानी बताया उसने मेरे मन में डाला एक मेंटल हमारे दिमाग में एक पिक्चर कि इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सके आज हम आपको कई चीज समझाने के लिए कई प्रकार के स्टोरी भी बताते हैं दृष्टांत बताते हैं जिसमें कि तुम्हें आसान हो समझने के लिए ये वर्ड ऑफ नॉलेज ये प्रभु देता है या दूसरे रूप से हम आपको समझा ये ड्रीम में भी प्रभु वर्ड ऑफ नॉलेज देते हैं आपको मतलब कोई चीज तुम समझना चाहे और तुम समझता नहीं है परमेश्वर तुम्हें अचानक से ड्रीम में देगा अचानक से तुम्हें विजन में देगा और अचानक से
यदि तू कोई प्रकार की समस्या से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और तुम बाइबल उठे, एक्जेक्टली वही वर्ड तुम्हें बात करेगा जो उनसे तुम जाता है। अचानक से गॉड तुम्हें वर्ड ऑफ नॉलेज देता है, और तुम वही पढ़ेंगे तुम्हें शांति मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अचानक से वो बाइबल में से बात करेगा, ड्रीम में बातें करेगा, विजन से बातें करेगा, या तुम्हारे दिमाग में पिक्चर लेके आएगा। जैसे कि एक नमूना आपको समझाने के लिए बताया, हम लोग जो थे वहां पर चर्च का शुरुआत किया था 2005 में। हम लोग एक होल, एक्चुअली होल ने वहां पे एक चर्च है और हम लोग उसको हायर करते। सबसे फर्स्ट सर्विस हम लोग का होता था 7:30 मॉर्निंग टू 9:30, उसके बाद में उन्होंने चर्च है। तब जब चर्च शुरुआत किया, फर्स्ट वीक हम लोग के पास कुछ नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, माइक भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक टैमरिन रखा है और कुछ नहीं, एक को वर्शिप टीम नहीं हम लोग के पास, एक को सिंगर्स नहीं हम लोग के पास, कुछ भी नहीं। हम लोग जब शुरुआत किया, हम लोग के पास एक प्रेयर टीम रहा, प्रेयर वॉरियर्स टीम आज भी है। उस प्रेयर वॉरियर्स को हम लोग खड़ा करा वर्शिप टीम नजर, उन लोग सिंगर्स नहीं है लेकिन उनको हम लोग इस्तेमाल कर, मतलब कि हम लोग के पास कुछ नहीं रहा और हम लोग के सब चीज की जरूरत है। वो शिफ्टिंग की जरूरत है, साउंड सिस्टम की जरूरत है, सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, हम लोग प्राप्त करते हैं। जानते हो फर्स्ट वीक कुछ नहीं रहा, सेकंड वीक में वो जो चर्च जो हम लोग हायर करता है, उस चर्च का पास्टर हमारे पास आया और उनसे कहता है, पास्टर बोले हम सब चीज तुम्हें वैसे देता है, हमारा साउंड सिस्टम तुम ले लो, हमारा जितना म्यूजिक सब तुम्हारे, स्पीकर सब तुम्हारे, माइक सब तुम्हारे, हमारे वर्शिप टीम है वो सब तुम ले लो, हमारे चर्च मेंबर सब तुम ले लो। वहां पर क्या हुआ इसको, वो कहता है सब चीज तुम ले लो, अब तुम्हें रेंट नहीं पे करेंगे, तुम फ्री यूज करो, खाली तुम हमें अपना असिस्टेंट पास्ता बनाए, हम तुम्हारे नीचे काम करें। अजीब है, अजीब से ऑफर, हमें सब चीज की जरूरत है और हमें सब कुछ देता है सेकंड वीक। लेकिन मैंने उसे कहा ऐसे नहीं, ओफा तो बड़ा अच्छा लगे देखने में, लेकिन ऐसे नहीं, अब मैं प्रार्थना कर लू प्रभु से पूछा तो दुई हफ्ता के टाइम बन गया। और हम लोग प्रार्थना किया, जब हम लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हम लोग को विजन में दिखाया, विजन में दिखाया कि ये जो ऑफर है ये गॉड के बदल से नहीं, ये शैतान का प्लान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने शिकायत नहीं, हम नहीं मांगे तुम्हारा ऑफर, हम लोग वैसे ही चला लेगा तुम्हारी चीज देगा, हम लोग उसकी खाली वो हाया करते हैं, कोई चीज नहीं है। उसके 2 महीने बाद एक ऐसा घटना हुआ कि जो चर्च के बॉडी के नीचे वो चर्च चलाता रहा, उसके जो प्रेसिडेंट है इसको निकाल दिया, या इसने कोई ऐसा घटना की, कोई ऐसा गुनाह में गिर गया, कोई ऐसा पाप कर रहा था जिसके कारण उसको एक्सपेल कर दिया गया, चलो चर्च से निकाल दिया गया। यदि वो हमारा असिस्टेंट पास्टर हो जाता और उसके सब चीज हम लोग ले लेता और वो गुनाह कर देता, वाला चर्च में पूरा चर्च के नाम खराब हो जाता, इसलिए परमेश्वर बचाए। ग्लोरी टू गॉड। तो ये वर्ड ऑफ नॉलेज परमेश्वर तुम्हें विजन में भी देता है, ड्रीम में भी देता है। तो ये वर्ड ऑफ नॉलेज आपको मानना है, परमेश्वर से मांगना है और वो तुम्हें इसका दाम देगा। यदि हम देखें जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 10 टू 11 में बाइबल कहती है, जोशुआ 7 वर्स 10 टू 11 में, कि जब जोशुआ के दल की हार होने लगी दुश्मन के खिलाफ, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, अचानक से इजराइली की सेना मरने लगे, उनकी हार होने लगी, जोशुआ ने पुकारा, परमेश्वर क्यों ऐसा, कैसे सके हम लोग के आम ही हारे, जब तू हमारे ओर है। परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि तुम्हारी मिलिट्री में एक आदमी जिसका नाम है अच्छन, अच्छन के टेंट में जाके तुम खोद के देखो कौन सी रखी से हुआ, और जोशुआ होली स्पिरिट ने उसे वो नॉलेज दिया और वो गया अच्छन के टेंट को खोदा, पालू के नीचे उसने उनकी जो गैर जाति के पूजा ने चीज लुकवाई कर सोना का बना। प्रेज़ द लॉर्ड। गैर जातियों के पूजा की चीज से सोने की बनी, जो सोने से बड़ी हुई उसको लुकवाई के रखा, इसी कारण उनकी हार हो रही है।
But yadi Holy Spirit usko word of knowledge nahi deta, to Israel ki sabhi sena mari jata. Praise the Lord. Yadi aap dekhe 2 Kings chapter 5 verse 20-27 mein, Bible kehti hai ki aaj bhi jo prophet Elisha ka nokar tha, Gehazi ne dekha ki jab Naaman Syrian army ka commander aaya aur changai पाने के बाद में उसने एलिशा को ऑफर किया मिलियंस ऑफ डॉलर सोना है चांदी है और कपड़ा है और पैसा है कई और मिलियन डॉलर के चीज लेके आया रहा और उसको जब हीलिंग हो गया प्रॉफिट एलिशा के द्वारा उसने वो सारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसको दे रहा लेकिन एलिशा ने कहा हम कोई चीज नहीं मांगता तुम्हारा ले जाओ एलिशा ने उसे लौटा दिया नेमन उसको जब लेके जा रहा है रास्ते में जब दूर निकल गया गेयासी एलिशा के नौकर देख रहा था और अपन दिमाग में सोच रहा है ये प्रॉफिट पकला है इतना भारी पैसा सब लौटा दे ये उसके विचार उसने क्या किया पीछे नोआ से निकला घोड़े पे सवार और दौड़ाता घोड़ा गया आधे दूर पे नेमन को पकड़ा और कह जाए नेमन हमें एलिशा ने भेजा है थोड़ा पैसा की जरूरत है थोड़ा सोना की जरूरत है थोड़ा कपड़ा की जरूरत है क्योंकि ढेर मेहमान आए उसके घर नहीं स्टोरी बना के बताई एलिशा ने भेज उसको और नेमन तो बड़ा खुशी से उसको चांदी सोना पैसा अनेक चीज उसे दिया गया सी लेके आए कि अपन घर में लुकवाए के फिर आगे काम पे ड्यूटी पे बन एलिशा ने उसे बुलाया अपने पास एलिशा पूछता है गया सी तो कहां गया बस यही इधर उधर घूम रहा था एलिशा पूछता है जब तुम नेमन से सोना और चांदी मेरा नाम लगाए के मांग रहा था क्या मेरा आत्मा वहां नहीं था क्या मुझे नहीं मालूम कैसे एलिशा को मालूम Word of knowledge, Prabhu deta hai. Praise the Lord. Ye daan pavitra atma se aati hai. Discernment. Church, there are three dimensions of spirit world. Teen barkat ki aatmik duniya hai. पहला आत्मिक दुनिया स्पिरिट ऑफ गॉड जहां पे होली स्पिरिट काम करती है वो आत्मिक दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड में परमेश्वर की आत्मा काम करती है दूसरा स्पिरिट वर्ल्ड जहां पे सैतान की आत्मा काम करती है और तीसरा स्पिरिट वर्ल्ड जहां पे मनुष्य की आत्मा काम करती है ह्यूमन स्पिरिट तो ये तीन प्रकार के स्पिरिट आज दुनिया में काम करती है हमारे बीच में कलेशिया के भीतर भी तीन प्रकार की स्पिरिट काम करती है परमेश्वर की आत्मा हमारे कलेशिया में काम करती है लेकिन साथ साथ में सैतान की आत्मा भी काम करती है साथ साथ में मनुष्य की आत्मा भी काम करती है तो आपके पास जब डिसेंडमेंट होगा होली स्पिरिट जब आपको डिसेंडमेंट के दाम देगा तो आप डिसेंड कर सकेगा आप जान सकेगा कि ये चीज परमेश्वर की ओर से आती है या ये मनुष्य की विचार है या सैतान का प्लेन है सैतान की चाल क्या है आप उसको डिसेंड कर सके डिसेंडमेंट आज हर क्रिश्चियन में होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम और तुम लास्ट डेज में रहते हैं और बहुत से नकली लोग हमारे बीच में रहते हैं बहुत से लोग तुम्हारे पास नाना प्रकार की चीज करने के लिए आएंगे तुम्हें धोखा देंगे थोड़े रोज पहले हम एक परिवार को विजिट करने के लिए गया और ये परिवार हमें बताया बोले हम लोग के ब्लैक पासपोर्ट आए वाला अमेरिका से ब्लैक पासपोर्ट आने कैसे ऐसे हो सके तुम अमेरिका गया का? कभी नहीं गया और उसी से कभी नहीं गया जाबे नहीं करा और ब्लैक पासपोर्ट कैसे आ जाए तुम्हारे ऐसे कैसे तो होता है कि एक आदमी आए सर क्रिश्चियन आदमी है बोले वाय सर और बता इस खाली इतना अलग ही तुम्हें इतना पैसा खाली तो तुम्हारा ब्लैक पासपोर्ट मंगा देगा अमेरिका से और पैसा दे दिया उसको ब्लैक पासपोर्ट ऐसे नहीं ब्लैक पासपोर्ट आ ही दे
आज भी कोई कोई जगह है तुम्हें वहां ओवरसीज की वीजा दिला देगा ये कर दे वो पैसा बनाए रिजो नकली लोग है तुम्हें जान एक डिसेंडमेंट नहीं तुम जानेगा कौन बात कर रहे रिजो इसलिए आपके पास डिसेंडमेंट होना जरूरी आज स्ट्रीट में भी चले बहुत चलो भैया मदद कर दो कोई यहां पैपा लेके खड़ा है वहां पैपा लेके खड़ा है गरीब दुखिया के मदद करना खराब है अच्छा है प्रभु खुश होता है लेकिन आपको मालूम है उसमें से 90% नकली है 90% नकली है कोई कोई वही धंधे कर रहे एक आदमी शहर में कभी कभी मिले पेपर लेके बोले पुराना घर जल गया उसके घर बनाए गए वगैरह एक साल बाद जा देखे फिर वही है अभी भी घर नहीं बना है साल में देखे अभी सत्य नियत से उसको देखता है वही पेपर लेके वो भी घर बना है क्या वही वही काम कर रहे हो तो आज बहुत से नकली लोग तो तुम जब देता है तुम रॉन्ग सोइल में प्लांट कर तुम्हें लौट के कुछ नहीं मिलेगा तुम आगे जाने राइट सोइल में तुम बिया फेंके जिसपे कि तुम हासिल कर सकते हो बहुत से लोग ये सारी धंधा कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार हमने एक साइड पे कोई नहीं सुना आपको बताया एक बार मोटर हमारी इधर स्विच पार्क की इधर लाइन में खड़ा है अब उधर से आए और हेवी रेन पानी बरसे लगे तो बच्चे बोले प्राउस है उसके बगल में हम वहीं पे हम खड़ा हो गया बोला पानी रुके तो हम क्रॉस करें जहां खड़ा है तो बगल में एक स्त्री आके कपड़ा बिछा के बैठ गए भीख मांगे तब थोड़ा और थोड़ा कभी दूर जाके खड़ा हो गया हमने ऐसे देखी कितना बटोरे है तो पानी बरसे हम खड़ा है तो रास्ता आदमी चले कोई 50 सेंट छोड़े कोई 20 सेंट कोई एक डॉलर कोई दो डॉलर छोड़े हम गिनते जाता है आधा घंटा बाद पानी निकला था हम यह जनता आधा घंटा में कितना बटोरी सुन आप इनाओ में $26 हाफ एन आवर में बटोर तो $52 आवर तला में उसको प्राइम मिनिस्टर से बढ़ के है लेकिन पहने मैला कपड़ा काले लिए जब घरे जाए तो सूट मारे ग्लोरी टू तो नहीं कई ऐसे नकली लोग भी हैं काले लिए तो इसलिए आपको डिसेंबर होना जरूरी है घर घर भी आते हैं लोग आपको जानना जरूरी कि सचमुच में ये रियल व्यक्ति है कि नकली है जिसमें कि आप गलत जगह बीच डबो है तो आपको ये डिसेंटमेंट की स्पिरिट होना बहुत जरूरी अनेक प्रकार की दान है जो पवित्र आत्मा आपको देता है और आपको सिर्फ मांगना है वो आपको भरपूर करेगा जब पवित्र आत्मा आती है हमारे बीच में तो हमेशा करके वो आग की तरह आती है आप हीट महसूस करेगा गर्मी महसूस करेगा आपकी उंगलियां गर्म हो जाएगा आपका चेहरा गर्म हो जाएगा उनको को कान गर्म हो जाता है अधिकतर के हमने भी नोटिस किया है आपका सारा शरीर गर्म महसूस करेगा क्या है वो पवित्र आत्मा की आग है और ये गर्म ऐसा गर्म नहीं है तो तुम फेंट फेंट जोर पर हवा करते नहीं तुम्हें तकलीफ नहीं देगा बिल्कुल पीड़ा नहीं वो आनंद की गर्म प्रेज द लॉर्ड होली स्पिरिट के गर्म तुम्हें टॉर्चर नहीं करेगा बल्कि तुम्हें ब्लेस करेगा ये गर्म पवित्र आत्मा हम फील करते हैं लेकिन यही गर्म यदि शैतान पोजेस करा उसके ऊपर आए तो शैतान चिल्ला के भाग जाता है उसको टॉर्चर करती है पवित्र आत्मा जब आता है तो एक टिंगलिंग सेंसेशन हम महसूस करते हैं टिंगलिंग यानी कि आपके धीं साइड झुंझुनी की तरह महसूस करें होली स्पिरिट के मैनिफेस्टेशन है पवित्र आत्मा जब आती है कभी कभी ये सभी टाइम नहीं लेकिन कभी कभी आप एक हवा का झोंका महसूस करेंगे विंड ऐसे नहीं कि पेड़ में से वो हवा है लेकिन वो वाला हवा नहीं है ये स्पिरिट पे आप महसूस करेगा एक हवा का झोंका वो पवित्र आत्मा का उपस्थिति है पवित्र आत्मा जब आता है कभी कभी ये भी सब टाइम नहीं कभी कभी आप एक परफ्यूम या एक एक महक ना ये जो परफ्यूम है ये इसका महक जब आएगा इस पृथ्वी में कोई दुकान में तुम्हें नहीं मिलेगा उसे परफ्यूम
ये हेवन की महत्ता मैंने अपनी इतने उम्र में होली स्पिरिट के साथ में अपना समय बिताने में हमारे ख्याल से ये परफ्यूम हम लोग अपन मिनिस्ट्री में मेरे ख्याल से हम सोचता से चार ही दफे महसूस किया क्योंकि बहुत मुश्किल से आते हैं आप भी कभी महसूस कर सकते हैं शायद आज भी आ सकते होली स्पिरिट जब हमारे बीच में आती है लोग चंगाई पाते हैं हीलिंग होता है होली स्पिरिट जब हमारे बीच में आती है लोगों का आंसू बहने लगता है या ये पीड़ा की आंसू नहीं है बल्कि आनंद की आंसू है जब वो लोगों को छूता है लोगों को आंसू बहने लगते हैं कभी 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 उसकी उपस्थिति में लोग हंसने लगते हैं उसको होली लाफ्टर कहते हैं ये भी हाल ही नहीं होता है बड़ी मुश्किल से कभी हमारे बीच में ऐसा होता है अधिकतर में यदि कोई बहुत दुखी व्यक्ति हो किसी कारण से हेट हो किसी भी जीवन में दुख हो प्रभु की आत्मा आता है उसको हंसाता है ताकि वो डिलीवरेंस पा सके होली लाफ्टर से लोग डिलीवरेंस होता है जो स्ट्रेस है जो बोझ है जो जो जिसके कारण उसका दिल टूट गया उससे डिलीवर हो जाता है प्रेज द लॉर्ड लेकिन ये बहुत कम आती है वो जब आता है तो लोग आनंदित होते हैं रिजॉइस करते हैं इसलिए बाइबल कहती है उसको द वेल ऑफ जॉय बाइबल उसको नाम देती है तो वही लोग जो वही आप जानते हैं अनॉइंटिंग होली स्पिरिट से ही आती है और वही लोग जो हर दिनों में आनंद की वर्षा लेके आती है होली स्पिरिट जब आता है और ये भी बात कम कभी कभी लोग बिल्कुल ठंडा महसूस करते हैं एकदम चिल आइस की तरह हम लोग अपने मिनिस्ट्री में कुछ कुछ लोगों के जीवन में देखा हैंडलिंग हाथ ले करने के समय अनॉइंटिंग रिलीज करने के समय कोई भी जन कहे हम ठंडा महसूस है इतना ठंडा कि हमारे दह की पीड़ा निकल गया होली स्पिरिट का प्रेजेंस है बट जस्ती करके आपके रूप में आती है इतने सारे रूप से वो अपने बच्चों के बीच में आता है बाइबल हमें बतलाती है जब मोसेस इज़राइलिटीज़ को लेके इजिप्ट से और कैनान देश को जा रहा है रास्ते में लाल समुद्र है पीछे दुश्मन की सेना है बाइबल कहती है मोसेस ने अपने लाठी को उठाया और जो समुद्र था वो खुल गया वो दो भाग में फट गया समुद्र के पानी के दीवार इस ओर और एक दीवार इस ओर बीच में सुपर हाईवे 3 मिलियन लोग इस पार से उस पार क्रॉस किए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मोसेस ने अपने लाठी को उठाया लेकिन पवित्र आत्मा ने फूका समुद्र It was the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जिसने उस लाल समुद्र को खोला जब इज़राइल की सेना और जोशुआ ने जेरिको के सेना के आगे जब वे तुरही बजाए जब चिल्लाहट के साथ में परमेश्वर की महिमा किए बाइबल कहती जेरिको के आर्मी अपने दीवारों पे खड़े थे अपने तलवार को लिए तीर बांध लिए अपने स्पिया लेके खड़े लड़ने के लिए इज़राइल के विरुद्ध में लेकिन जब इज़राइल के सेना ने चिल्लाहट से परमेश्वर की महिमा किया परमेश्वर की प्रशंसा किया जेरिको के दीवारें टूट-टूट के गिर पड़े क्या आज आप सोचते हैं कि उनकी चिल्लाहट पे कोई ताकत थी कि दीवार टूट जाए आप अपने घर के दीवार के आगे खड़ा होकर चिल्लाए के देखें वो नहीं टूटेगा
कि उनके चिल्लाहट पे कोई ताकत थी उनकी चिल्लाहट पे कोई ताकत थी उनकी चिल्लाहट सिर्फ प्रभु की महिमा कर रहे थे लेकिन वो था पवित्र आत्मा जिन्होंने फूका और दीवाले टूट के गिर पड़े ग्लोरी टू गॉड जब डेविड गोलियत का सामना कर रहा था उसने एक पत्थर उठाया और अपने स्लिंग में लगा के उसको नचा के मारा और बाइबल कहती है और 9.5 feet tall गोलियत उसके सर में लगा और वो गिरा और मर गया आप सोचते हैं एक पत्थर लगने से इतना बड़ा जायंट मर जाएगा ऐसा नहीं हो सकता खेल खेल में भी बच्चे लोग बड़े आदमी को किसी को पत्थर मार देते हैं हमें मरते हैं ऐसे एक पत्थर उसके मोड़ में लगने से क्या हो मर जाएगा ये तो जाइंट था बाकी के लेकिन जानते हो वो एक पत्थर के पीछे जो ताकत पवित्रात्मा की सामर्थ जिसने उस गोलियत को मार बाइबल कहती है यीशु मसीह क्रॉस पे मारा गया उसे कब्र में दफना दिए गया कब्र के आगे रोमी सोल्जर लोग ने बड़ा सा पत्थर रख दिया जितना बड़ा पत्थर किसी के कब्र के आगे कभी नहीं रखा गया ऐसा पत्थर क्यों क्योंकि डर रहा कि बाहर नहीं निकल गया क्योंकि पुलिस हम जिंदा हो गया पत्थर रखने के बाद में जो भी डर है उसको चैन से बांध दिया गया बाइबल कहती है रोमन सील से उसे सील कर दिया गया ताकि वो तोड़ ना सके और यहां तक कि उतना के भी उनको डर रहा जबकि वहां पे सेना बैठा दिए गार्ड करे कि कहीं शायद कोई रकम से चैन में तोड़ के निकली तो इस पिया लेके रेडी है एकदम सेना मौत मार दे सीधा लेकिन जब बाप ने कहा बेटे बाहर निकल गया भाई के लिए वो चैन टूटा वो पत्थर रोल हुआ कब्र का बंधन फटा यीशु मसीह जीवित बाहर निकला वो था पवित्र आत्मा की सामर्थ जिसने चैन तोड़ा जिसने पत्थर को हटाया वो कोई और नहीं था बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ और आज भी हमारे बीच में कई लोगों के जीवन में प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया है हीलिंग दिया डिलीवरेंस दिया किसने आपको शैतान भगाया है मैंने नहीं पवित्र आत्मा ने किसने आपको चंगाई दिया मैंने नहीं मैंने सिर्फ दुआ किया आपके लिए बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको चंगाई दिया कुछ मुर्दे जी उठे मैंने नहीं किसी को जी उठाया मेरी सामर्थ से नहीं मुर्दी जीवा मैंने सिर्फ दुआ किया बल्कि तो पवित्र आत्मा के सामर्थ जो मुर्दा को जानता चर्च पवित्र आत्मा किस सामर्थ से बाइबल के लिए सब कुछ हो सकता है नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट से मनुष्य की शक्ति से नहीं मनुष्य के सामर्थ से नहीं मनुष्य के बल से नहीं बल्कि होगा पवित्र आत्मा के द्वारा चर्च बाइबल हमें कहती है इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 में डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट डू नॉट ग्रीव आप क्या ले दिया पवित्र आत्मा को ग्रीव ना करे पवित्र आत्मा को कभी हम और तुम शोकित ना करें पवित्र आत्मा कई बार शोकित हो जाती है दुखी हो जाती है कई बार हम और तुम उसे ग्रीव कर देते हैं लेकिन हम उसे समझते हैं पवित्र आत्मा कैसे ग्रीव होता है बहुत से प्रकार से ग्रीव होता है लेकिन मैं एक दो आपको बताना चाहूंगा मान लो जैसे बाइबल कहती है कि हम किसी का दिल ना तोड़े मतलब कि आप यदि सिस्टर के बारे में कुछ सुना है इस सिस्टर के बारे में कुछ सुना उस ब्रदर के बारे में कुछ सुना हमें मालूम नहीं क्या सही है क्या नहीं लेकिन हम जाके उसको कड़वी बात बोल दें
साथ सचमुच में उसने उल्टा कुछ कर दिया है लेकिन हम और तुम जाके उसे कड़वी बात बोल दे और उसका दिल टूट जाए रोज तुम्हारे संग उठे बैठे रोज चर्च में आए ऐसे ग्रुप में आए लेकिन कोई किसी को एक कड़वी बात बोल दे और वो व्यक्ति का दिल टूट जाए आपको मालूम है दिल में कौन रहता है आत्मा आपके दिल में इसका दिल टूटता है उसका दिल नहीं पवित्र आत्मा का दिल टूट जाता है वो आंसू बात है वो नहीं पवित्र आत्मा आंसू बात है लेकिन हम और तुम समझते नहीं हम और तुम सोचते कि हमने उस ब्रदर को बोला है हमने उस सिस्टर को बोला नहीं हम और तुम पवित्र आत्मा को बोला है हम और तुम कौन है किसी का न्याय करने वाला हम और तुम कोई नहीं है शायद वो गिर पड़ा शायद वो कुछ उल्टा कर दी और वो पश्चाताप कर रहे हैं अपन गलती से हम जैसे गरज करें इस गरज ताकि एक बात की ताकि होली स्पिरिट आनंदित हो प्रिजो तो हम होली स्पिरिट ग्रीव करते हैं जब किसी ब्रदर और किसी सिस्टर को हम एक कड़वी बात बोल देते हैं होली स्पिरिट ग्रीव होता है बार बार चर्च में चर्च में बहुत बार ग्रीव होता है एक प्रचारक ही समझ सकता है एक प्रीचर समझ सकता है आप एक प्रचारक हो मैं भी चर्च में या सेल ग्रुप में कहीं भी शायद आप समझ सकते हम जब तक यहां पर प्रचार करता आपके बीच में मैं नहीं हूं बल्कि पवित्र आत्मा हमारी जुबान से बातें करता है लेकिन जब हम प्रचार करता है और आप कलेशिया में बैठा है और अपने पड़ोसी से बात करता है हमारे बगल ध्यान नहीं देता है कि हम कौन सी बोलता है आप पड़ोसी से पुसुर पुसुर करता है या इसके और उसके सनकी और मटकी करता है यहां से कोई बेटा वहां किसी को सनकी कोई यहां से वहां उसको सनकी करता है अब जानते हो स्पिरिट हो जाता है एक प्रीचर समझ सके वो प्रचार करते करते जब वो देखता है कोई किसी से बात करे और प्रीचिंग पे ध्यान दे दे वो अनॉइंटिंग एकदम कटे लगे वो फील कर सके कि अनॉइंटिंग कटे कहां रहा हो कहां चला गया कौन सी बोलता है क्योंकि और स्पिरिट बोलता रहा वो रुके क्यों रुके क्योंकि वो ग्रीव हम तो उसके इज्जत नहीं करता मान लो बैकिंगम पैलेस से राजा और रानी आके बैठे या कुर्सी रख दे बगल में भावना प्राइम मिनिस्टर भी आके बैठ जाए और वो आपसे बातें करे भाषण दे क्या आप अपने अगल बगल पड़ोसी से बतवाएंगे हम जानता शायद आप उसे सलूट करेगा बड़ा आदर सम्मान करेगा सर झुकाएगा उसके आगे इज्जत करेगा रानी आई से लंदन से प्राइम मिनिस्टर बैठा है उसके हम आदर करता है रानी राजा के आदर करता है लेकिन जब राजाओं के राजा का आत्मा हमारे बीच में प्रचार करता है हम उनको इज्जत नहीं करते वो क्रीम हो जाता है चर्च मैं आपको बताना चाहूंगा जब प्रचार होती है हमें ध्यान से सुनना यदि कोई इमरजेंसी हो जाए आप उठ के चला जाए बैरे जाए बात कर लेकिन यहां पर बैठ करें यहां पर बैठ के ऊपर ला के संकी ना करें ऊपर ना नीचे ला के संकी ना करें क्योंकि हम इस चीज क्रीम होती है चर्च एक समय की बात थोड़ा लंबा ले लिया पर हम तरीके से खलास कर दे एक समय की बात आखिरी चीज में आपको बता बचा एक माइटी वुमन ऑफ गॉड उसका नाम था कैथरीन कुमन मैं भी आपने इसका नाम सुना होगा अभी नहीं है बल्कि अपने समय भी वो परमेश्वर के महान अभिषेक किया हुआ स्त्री था जो जगह जगह हीलिंग क्रुसेड करता था अनेक प्रकार की मिरेकल्स होता रहा उसकी क्रुसेड डिलीवरेंस होता रहा शैतान के काल के लिए कैथरीन कुमन एक दिन उसका एक क्रुसेड एक होटल ये बड़ा हॉल में उसका क्रुसेड ऑर्गेनाइज किया गया बड़ी भीड़ आई सभी चेयर्स भर गया फिर भी भीड़ आ रही है
स्टेज के आगे जितना खाली जगह था सब भर गया नीचे आए जहां पे लोग चलते हैं वहां सब लोग बैठ गए खिड़की पे कुछ कुछ लोग बैठ गए द्वारी के आगे लोग बैठ गए हॉल से बाहर लोग बैठ गए इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आई लेकिन जब कैथरीन कुमार आई तो उसको हॉल में जाने के लिए रास्ता ही नहीं वो कैसे हॉल में जाए तो होटल के अधिकारियों ने कैथरीन को बैक डोर से लेके आए तो जब पिछले वाली डोर से लेके आए तो उसको होटल के किचन में से होके जाना है और जब कैथरीन होटल के किचन में आए लैंड से शेफ लोग जुटे हैं कोई काट रहा है कोई छोंक रहा है कोई सजा रहा है भोजन को सब लाइन से खड़े हैं और वे भोजन तैयार कर रहे हैं कैथरीन उनके पीछे से निकली और उस पार चली गई पीछे मुड़के ताकि सब शेफ नीचे जमीन पे पड़े हैं सब फ्लोर पे गिरे हैं कैथरीन ने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा कैथरीन ने किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया लेकिन उसकी परछाई पड़ने पे लोग स्लिंग हो पवित्र पत्ता चर्च में क्या बता रहा हूं कि कितनी बड़ी मात्रा में परमेश्वर का अनॉइंटिंग उसके ऊपर था बाइबल कहती है डिसाइपल्स लोन जब पत्रस डिस्ट्रिक्ट में चलता है उसके परछाई पड़ने से लोग चंगाई पाते कैथरीन उस दिन उस होटल में प्रचार कर रही है अचानक से वो प्रीचिंग कर रही है और एक आदमी इधर खड़ा हुआ वो कहता है आई कैन सी मेरा आंख खुल गया मैं देख सकता हूं दूसरा आदमी वहां व्हील चेयर में वो व्हील चेयर में से उठ के और चलने लगा तीसरा आदमी एक बहरा आदमी चिल्ला रहा है मुझे सुना रहा है कैथरीन ने किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया वो अभी प्रचार कर रही है मिरेकल हो रहा है आश्चर्यकर्म हो रहा है वो जो क्राउड है वहां पे ये बिल्कुल आनंद कर रही है क्राउड है ये अनॉइंटिंग जो उस प्रकार से वहां फ्लो हो रहा है क्राउड बिल्कुल आनंदित है लोग चंगाई पा रहे हैं छुटकारा पा रहे हैं आश्चर्य कर्म हो रहा है और ये प्रीचिंग बहुत पावर से जा रहा है लेकिन थोड़ी देर में अचानक कैथरीन रुक गई बिल्कुल साइलेंस और वो बिलक बिलक के रोने लगे और सिर्फ आंसू ही नहीं बह रहे बिलक बिलक के रो रहे उसका जो पुलपिट है उस पुलपिट को पकड़ के अपना चेहरा नीचे करके और आंसू बहाए सारे भीड़ घबरा गए क्या हो गया इतनी अच्छी तरह से प्रचार कर रही थी अचानक ये सब क्या हो गया क्यों वो रो रही है मिरेकल हो रहा है लोग चंगाई पा रहे हैं छुटकारा पा रहे हैं उसको खुशी होना चाहिए लेकिन क्यों ये रो रही है और रो दी गई और रोती गए कहीं 10-15 मिनट्स और उस हॉल में बिल्कुल लोग बिल्कुल डर गए और घबरा गए ये सब क्या हो रहा है क्यों हो रहा है थोड़ी देर में कैथरीन ने जब अपने सर को उठाया उसने उस भीड़ से कहा प्लीज जैसे कोई भीख मांग रहा है वो हाथ जोड़ के प्लीज प्लीज ओके दिया भीख मांग रही है डू नॉट ग्रीव द होस्ट पवित्र आत्मा को शोकित मत कर क्या हो गया जब वो प्रचार कर रही थी फ्रंट लाइन में
दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और उसको परवाह नहीं कर रहे हैं। कैथरीन कहती है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, उसका आदर कर, उसका सम्मान कर। दूसरी सब उसने अपने जुबानों से कहा, डोंट यू नो ही इज मोर रियल टू मी देन यू। शायद आप समझे, वो कहती है तुम एक रियल व्यक्ति यहां बैठे हो, रियल व्यक्ति है, रियल मनुष्य है, क्योंकि तुम क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुमसे भी रियल पवित्रात्मा। हम और तुम पवित्रात्मा को देख नहीं सकते हैं। कैथरीन कह दिया तुमसे भी रियल, तुम दिखाई मान, लेकिन उससे भी रियल पवित्रात्मा है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे अंदर में है, मेरे ऊपर में है, मेरे बगल में है और मेरी जुबान को इस्तेमाल कर रहा है। वो उससे उसकी दोस्ती पवित्रात्मा से इतनी गंभीर रूप से के व्यक्ति से भी अधिक पवित्र आत्मा उसके लिए है। चर्च, मैं आज आपको बताना चाहूं, आज भी वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और वो आज जब भी आता है हमारे बीच में खाली हाथ नहीं आता है, नौ गिफ्ट को लेके आता है, और कई बार वो हमारे और तुम्हारे आगे गिफ्ट फैलाता है ले, लेकिन हम और तुम उसे समझते नहीं है और उसे लेते नहीं, तो फिर वो गिफ्ट लेकर चला जाता है। पर अब तुम समझे रहे, आज तुम मेरी निकाले लोग अपनी आत्मा की आग से मुझे भर दे। यदि आपके पास स्पीकिंग टंग नहीं है, अन्य भाषा का दान नहीं है, वो आज आपको भरपूर करेगा। प्रभु मुझे दे दे आत्मा का दान, दे दे इंटरप्रेशन की दान की मांग है, आप दिल से पुकारे मुझे दे दे, वो दे देगा। विजडम, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसेंटमेंट अवश्य हमारे सबके लिए जरूरत है, सभी मसीह के लिए जरूरत है। भविष्यवाणी का दान चाहता है कोई भी दान, हम चाहते हैं कि प्रभु हरे मेम्ब्रान में कुछ ना कुछ दान हो, ताकि सब मिलाए के सभी में चर्च के भीतर नौ वरदान दिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा का नौ वरदान हो। अब आप आत्मा को समझे और आज वो दान लेके आया है हमारे बीच में आपको देने के लिए। और इस समय मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, यदि आप पवित्र आत्मा का दान चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो, परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरे, आपको मैं निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप और का प्रयास सकते हैं, ताकि आप पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त कर सके। ना उल्टा दिन यहां पर हमेशा भर जाते हैं लोग। यदि आप यहां पे इस लाइन में भी खड़ा होना चाहे, खड़ा हो सकते हैं, फ्रंट लाइन में चेयर चेयर में हम लोग चेयर सब पीछे कर दें, ऊपर ना चेयर, नीचे चेयर भी पीछे कर दें, ताकि अगर कंजेस्टेड नहीं रहे, तब ऊपर क्राउडेड नहीं रहे, जगह लेके हम खड़ा हो, ताकि परमेश्वर आज आपको बैप्टाइज करे अपनी आत्मा से। आज आपको मांगना है कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया। और कोई स्पेशल दान मांगते हैं, आप कह दे प्रभु मुझे ये दान दे दे, मुझे इस दान की जरूरत है, और परमेश्वर आपको वो दान से भरपूर करेगा। हालेलुया। Glory to God. चर्च, हमारा वर्शिप टीम आगे चले आए, यदि ऊपर अधिक हो जाए तो हम नीचे भी खड़ा हो सकते हैं। हालेलुया। Glory to God. हमारा वर्शिप टीम आराधना पूर्वक इस गीत को गाएगा, और फिर बाइबल कहती है जब अपोस्टल लोग परमेश्वर के बच्चों को पर हाथ लेकर दे रिसीव द होली स्पिरिट, कैसे रिसीव करें, एट द लेइंग ऑफ हैंड, हाथ रखने से वे आत्मा को प्राप्त किए। आज मैं हरेक के ऊपर हाथ रखूं, हरेक के ऊपर, और प्रभु आपको परिपूर्ण करेगा,
अपनी आत्मा से आपको भरेगा, आपका ध्यान उसकी ओर और पूरे दिल से पुकारे, Lord baptize me with fire, अपनी आग से मुझे बपतिस्मा दे दे, जल की बपतिस्मा मैं ले चुका हूं, लेकिन आज मैं आग की बपतिस्मा चाहता हूं, अन्य ने भाषा का दान मुझ में डाल दे, मुझ में वो दान दे, सिर्फ अपना रिक्वेस्ट उसके आगे रखें और हम उसकी आराधना करें जैसे हमारे वर्शिप टीम इस गीत में अगुवाई करें, लेट्स जस्ट वर्शिप, लेट्स जस्ट वर्शिप, एक बार वो आज अपना आग को ले लेगा, जैसे आप इस गीत को गाए अपने पूरे दिल से गाए ताकि आप परिपूर्ण हो सके, yeah.